साहित्य सम्राट प्रेमचंद। हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजय सराय था। वह लम्ही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनकी आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। जब वह केवल 7 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। जब वह 15 साल के हुए तो उनका विवाह कर दिया गया। उनके 16 वर्ष के होने पर उनके पिता भी स्वर्ग सिधार गए। इसी कारण उनका आरंभिक जीवन काफी गरीबी में बीता। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी, जिससे साहित्य की तरफ उनकी गहरी रुचि हो गई। वे बचपन से कहानी तथा उपन्यास खूब पढ़ा करते थे। उन्होंने 1898 में 10वीं की परीक्षा पास की और एक स्थानीय पाठशाला में शिक्षक के पद पर काम करने लगे। नौकरी के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी के साथ हुआ। वह एक बाल विधवा थी। उनसे 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1919 में प्रेमचंद ने अंग्रेजी, फारसी तथा इतिहास को लेकर बीए पास की। बीए पास करने के बाद वह शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। बाद में गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। उसके उपरांत उन्होंने देश सेवा और लेखन को ही अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा तथा माधुरी आदि पत्रिकाओं में वह संपादक के पद पर काम करने लगे। प्रेमचंद का साहित्यिक जीवन सन 1901 से शुरू हो चुका था। पहले वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनकी पहली रचना अप्रकाशित ही रही। उनका पहला उपलब्ध उपन्यास उर्दू भाषा में लिखा गया है। उसका नाम अखरारे महाविद था, जो बाद में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी जमाना पत्रिका दिसंबर 1910 में प्रकाशित हुई। इस कहानी का नाम बड़े घर की बेटी था। प्रेमचंद के उपन्यास न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने उर्दू भाषा में अपनी लेखनी चलाने के बाद 1918 ईस्वी में हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया। उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन था। उसके बाद उन्होंने हिंदी भाषा में अनेक उपन्यास लिखे। उनमें कुछ प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। उनके द्वारा लिखा गया गोदान उपन्यास हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रेमचंद ने अनेक कहानियां भी लिखी। उनकी अधिकांश कहानियां निम्न तथा मध्यम वर्ग को ही दिखाती है। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी थी। कहानियों के अलावा प्रेमचंद ने नाटक, लेख, निबंध आदि भी लिखे। प्रेमचंद भारत के स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार थे। इसी कारण उन्हें राष्ट्रवादी भी कहा गया है, मगर मूल रूप से वह मानवतावादी ही थे। उन्होंने धन से ज्यादा अपने लेखन को महत्व दिया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है, जो अपूर्ण है। इसी उपन्यास की रचना के दौरान 8 अक्टूबर
1936 को लंबी बीमारी के कारण वाराणसी उत्तर प्रदेश में उनका देहांत हो गया।